सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। विश्व जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता जो कि तालिन में 12 से 18 अगस्त 2019 को आयोजित हुई में प्रताप स्कूल खरखोदा के पहलवान सज्जन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त कर भारतवर्ष, हरियाणा राज्य, सोनीपत जिले, ब्लॉक खरखोदा और प्रताप स्कूल खरखोदा का नाम रोशन किया। इससे पहले भी जूनियर विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य एवं रजत पदक प्राप्त कर देश का गौरव बढ़ा चुका है। इस अवसर पर सज्जन पहलवान ने बताया कि यदि सेमीफाइनल में ईरान के पहलवान के साथ वाली कुश्ती बाउट में मुझे ठीक न्याय मिलता तो अब की बार मुझे स्वर्ण पदक प्राप्त होना निश्चित था। मेरी तैयारी स्वर्ण पदक प्राप्त करने के अनुरूप थी। प्रताप स्कूल खरखोदा के ही अन्य पहलवान प्रवीण मलिक भी इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक लेकर गौरव बढ़ाने के लिए उत्साहित थे, लेकिन घुटने में चोट लगने के कारण भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व किया। पदक विजेता सज्जन का प्रताप विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर मिठाई खिलाकर और फूल मालाओं से स्वागत किया। खरखोदा से सोमपाल सैनी की रिपोर्ट। सज्जन की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पहलवान जी की, और जो आपके स्कूल में प्रताप स्कूल में पढ़ भी रहे हैं, और प्रताप स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खिलाड़ियों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, और मैं चाहूँगी भविष्य में भी, अभी ये जूनियर में मेडल लेके आए हैं और सीनियर में भी ऐसे ही अपना वर्चस्व दिखाते रहेंगे। हमारे पास जो भी खेल उपलब्धियाँ हैं उसकी किसी भी प्रकार की इनको आवश्यकता होगी तो मैं अपनी तरफ से, विभाग की तरफ से बेहतरीन उपलब्ध करवाने की कोशिश करें। भविष्य में सर मेरा जैसे आपकी बार अभी अक्टूबर में अंडर 23 का वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो उसमें मैं अपना 100% देकर इस ब्रॉन्ज मेडल को गोल्ड मेडल में बदलना चाहूँगा, और थोड़ा वहाँ पे जो है रेफरी का थोड़ा उनकी तरफ फेवर था, तो इसी वजह से मेरी बाउट थोड़ा खराब करवा दी उन्होंने, नहीं तो 100% गोल्ड था। उसी की तैयारी में लगा हुआ था, इससे पहले मैं प्रैक्टिस करने बाहर भी गया था, तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। देखियो, एक तो संस्था के ऊपर बहुत बड़ा रहता है कि संस्था ने बहुत अच्छे यहाँ खेल ऑर्गेनाइज कर रखा है। दूसरे, हमारे जो खिलाड़ी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ सुबह शाम 3-3 घंटे अभ्यास करते हैं और बहुत अच्छी यहाँ एक्टिविटी हमारे कोचिज द्वारा, देवेंद्र जी हैं जैसे बहुत ज़्यादा अभ्यास कराते हैं, और जहाँ जिला खेल अधिकारी निर्मला जी हैं उनका यहाँ बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो समय समय पर विजिट करती हैं और हमारे को बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट उन्होंने, जैसे रेसलिंग मैट है, जिम है, कोचिंग आदि की पोस्टिंग है, हमारे साथ खूब मदद करती हैं। उनके बदौलत ही ये हमारा जो खेल का इतना विकास है ये चलिया हुआ है। सज्जन को भी अब 3 मेडल सज्जन के आ चुके हैं, और हम सज्जन से ये उम्मीद करते हैं कि सज्जन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा और पदक लेकर देगा, और इसी के साथ बहुत ज़्यादा पहलवान या दूसरे खिलाड़ी जूडो के भी हैं, बॉक्सिंग के भी हैं। संस्था ने आपका जो प्रयास है, संस्था का प्रयास है, बहुत ज़्यादा खिलाड़ी आप लोगों ने यहाँ संस्था में दिए हैं, और संस्था में जैसे सबको पता है कि यहाँ 50-51 कोचेज काम कर रहे हैं, जिसमें खेल विभाग के भी शामिल हैं, साई के भी शामिल हैं, तो इस प्रकार से संस्था यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि संस्था से आने वाले दिनों में बॉक्सिंग में भी, जूडो में भी, वुशु में भी, कुश्ती में भी ओलंपिक में जरूर पदक ला कर देंगे। आज सज्जन बनवाला जो कि जूनियर विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके विद्यालय में लौटा है, उसका विद्यालय प्रांगण में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर हमारी क्षेत्रीय डायरेक्टर ललिता शर्मा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, और निर्मला जी हमारा जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो सोनीपत से उपस्थित थी, उसके साथ ही यहाँ के स्पोर्ट्स डायरेक्टर एवं चीफ कुश्ती कोच श्री ओम प्रकाश जी, विद्यालय के संस्थापक श्री सत प्रकाश जी, और देवेंद्र कोच साहब, सुनील हुड्डा, सूरज कोच साहब और अन्य कोच और विद्यार्थियों ने सज्जन का बहुत ही गर्व से स्वागत किया। हमें बहुत ही खुशी है कि प्रताप विद्यालय से इस कंपटीशन में 2 खिलाड़ी हमारे
प्रवीण मलिक और साजन जी गए हुए थे, जिसमें प्रवीण मलिक के घुटने में चोट लगने के कारण वो भारत देश का गौरव बढ़ाने में असफल रहे। अन्यथा प्रवीण मलिक ने बताया कि वह स्वर्ण पदक जीतेगा। और सज्जन जी भी इससे पहले उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था विश्व जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में ही, और अगली कंपटीशन में उन्होंने सिल्वर मेडल लिया, और अब की बार सज्जन गोल्ड मेडल के लिए तैयारी करके गए हुए थे, लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी जो ईरान के साथ कुश्ती सेमीफाइनल की उसमें जो मुकाबला हुआ उसमें कोच के द्वारा फेयर डिसीजन नहीं हुआ, जिसके कारण से सज्जन वो कुश्ती हार गए। लेकिन जो हमने उनकी फाइनल कुश्ती देखी तो उसमें फाइनल में जो खिलाड़ी था उसने 4 मिनट के बाद में सज्जन के साथ कुश्ती लड़ने से मना कर दिया, उसने मैट पर हार स्वीकार कर ली। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सज्जन की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी है, और अब सज्जन अंडर 23 वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जाएगा। और वहाँ पर सज्जन ने बताया कि मैं वहाँ से निश्चित रूप से अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत करके देश का गौरव बढ़ाऊँगा, तिरंगे का सम्मान बढ़ाऊँगा, ऐसा उत्साह सज्जन के अंदर है। और बहुत ही नज़दीक भविष्य में सज्जन ओलंपिक का पदक लेकर देश का गौरव बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। हम प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल की तरफ से भी पूरी तरह हर खिलाड़ी की तैयारी में लगनशील हैं, उत्साहित हैं कि यहाँ से अधिक खिलाड़ी मेडल लेकर देश का गौरव बढ़ाएं, अपने जीवन की उच्चतम सफलताओं को प्राप्त करें। ये एक कुश्ती ही नहीं, हम 24 प्रकार के खेलों का प्रबंध यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। विद्यालय में इस अवसर पर 51 विभिन्न गेमों के प्रशिक्षक हैं, जो कि निरंतर खिलाड़ियों विद्यार्थियों का प्रशिक्षण करते रहते हैं। तो हमें बहुत ही खुशी है और हमारा इस मेडल के द्वारा बहुत उत्साह बढ़ा है। हाँ, हमें दुख है कि सज्जन किसी कारण से गोल्ड मेडल से दूर रह गए और प्रवीण चोट लगने के कारण, लेकिन हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हमारे खिलाड़ियों को अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके अंदर हिम्मत उत्साह और उनका विचार अच्छा बना रहे, ताकि वो इस देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर गौरव बढ़ाएं।